हेलो गाइस, सो अपना पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है। मैंने आपको कल लॉन्ग डिवीजन सिखाया था कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और आपको एक चीज़ और बताई थी कि आंसर वेरीफाई कैसे करते हैं। डायरेक्टली हम रिमाइंडर की वैल्यू चेक करके आंसर वेरीफाई कर रहे थे, और मैंने कहा था रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम ही है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या कर रहा था उसके अंदर कि जिससे डिवाइड कर रहे थे यानी डिवाइजर का जीरो फाइंड करते थे, ठीक है, और उस जीरो पे हम डिविडेंड की वैल्यू फाइंड करते थे, और उस वैल्यू जो आती थी निकल के हमारी वही क्या होता था, रिमाइंडर होता था। ठीक है, तो एक एग्जांपल और करते हैं, फिर मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट दूंगा और उसके बाद आपको समझा दूंगा ये वाली चीज़। तो एग्जांपल नंबर है आपका 8 कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। समझ रहे क्वेश्चन का नेचर? हमें सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करने को बोला, हमें पता है रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। दो तरीके हैं अब हमारे पास रिमाइंडर फाइंड करने के, कैसे? एक तो डिवाइड कर लो, जो बच जाएगा रिमाइंडर वो रिमाइंडर है। दूसरा, जो रिमाइंडर थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ, देखो हमें इसको इससे डिवाइड करना है, तो कुछ ऐसा होगा सीन, ये एक्स क्यूब प्लस 1 को मुझे एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये होता है पी एक्स, इसको मान लेते हैं अपना कुछ भी जी एक्स क्यू एक्स जो भी होगा। वैसे अगर देखा जाए ये वाली फॉर्म होती है अपनी पी अपॉन क्यू, तो ये पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड करते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। मुझे इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है ना, तो डिवाइड कर रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करोगे? मैंने कहा था पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक्स की पावर 3 है, फिर एक्स की पावर 0 है। बट एक्स की पावर 0 को छुपी हुई को देखना सीख लो अब यहाँ पे, ये एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0 है। अब करो फर्स्ट टर्म पे फोकस, तो फर्स्ट टर्म है एक्स की क्यूब, और ये फर्स्ट टर्म है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर बच जाएगा। ऊपर 3 बार एक्स लिखा हुआ है, एक्स 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 क्यूब, और नीचे एक बार लिखा हुआ था, एक कट जाएगा। फिर हम इसको यहाँ लिखते थे, और जो आता था एक्स स्क्वायर उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते दोनों चीज़ों से, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों तीनों जो भी है। फिर देखो एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो एक्स क्यूब आएगा, और एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर मैंने कहा जो है उसके नीचे लिखना है, तो एक्स क्यूब के नीचे तो एक्स क्यूब लिख दिया, कि एक्स स्क्वायर की टर्म है यहाँ पे, नहीं है, तो भाई साहब साइड में लिख दो थोड़ा सा इसको, ठीक है, नहीं हो साइड में चलो, तुम्हारे जैसा है नहीं यहाँ पे कोई भी, तो तुम कहाँ जाओ, साइड में जाओ, राइट। फिर क्या करते हैं, इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन से रिलेट करो इस चीज़ को। जिसको भी अगर प्रॉब्लम आ रही है इसको देखने में, भाई पहले वाला वीडियो देख लेना अच्छे से, वहाँ पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो आज थोड़ा फास्ट चलेगा। तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना दे, क्योंकि कुछ नहीं है तो कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसको नेगेटिव बना देगा, ठीक है, और इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। अब मैं एक बार सुनो, कुछ बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं, फिर कहते हैं कि सर गलत हो रहा है हमारा, पहले वो उतार लेते हैं 1 को और फिर उतार लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर को, यही गलत हो जाता है। मैंने कहा बेटा एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म बना के रखना है, तो पहले हायर पावर वाले को उतारे, तो पहले ये उतारेंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर को पहले लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखोगे और फिर प्लस 1 को लेके आओगे, ऊपर वाली लाइन में कोई साइन चेंज नहीं होता। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या करोगे, फिर फर्स्ट टर्म पे फोकस करो जो कि है माइनस का एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म है यहाँ पे एक्स, एक एक्स से एक्स कट गया तो माइनस का एक्स बचा, उस माइनस एक्स को यहाँ पे लिख दो, और फिर माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स प्लस 1 से, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करने माइनस का एक्स आएगा, क्या आएगा, माइनस का एक्स। फिर वही चीज़, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन माइनस एक्स कहाँ रखूँ, एक्स के टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको भी कहाँ रखना है आपको, साइड में रखना है, कहाँ रखना है, साइड में रखना है। फिर सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ से पहले 1 लिखूँ, ये तो कटेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कटना है, टारगेट है यहाँ पे, पहले 1 लिखूँ कि पहले एक्स लिखूँ, एक्स लिखो लेकिन किसके साथ, प्लस साइन के साथ में, क्योंकि नया साइन क्या है इसका, प्लस, तो आप लिखोगे प्लस एक्स और ये प्लस 1। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो फिर वापस से फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है, तो फर्स्ट टर्म है इसकी एक्स, ठीक है, और इसकी फर्स्ट टर्म भी एक्स है, इसकी वैल्यू आएगी 1, तो प्लस 1 हो गया, ये 1 कैसा है, पॉजिटिव आया, तो प्लस 1 लिखो, कहीं ऐसा मत लिख देना यहाँ 1 लिख के छोड़ दो, ये बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करने अपन को, ठीक है, यहाँ लगाएंगे प्लस 1, क्योंकि जो आया है वो यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट में तो लिखा जाता है, ठीक है। अब इस 1 की वैल्यू को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स प्लस 1 ही आ गया, तो इस एक्स को यहाँ रख दिया, 1 को यहाँ रख दिया, ठीक है, साइन चेंज कर दो इनके,
साइन चेंज करा, ये भी माइनस बन गया, ये भी माइनस बन गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, प्लस वन माइनस वन कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। रिमाइंडर जीरो आने पे क्या क्या होता है मैं सारे स्टेटमेंट लिख दूंगा अभी, ठीक है, बट उससे पहले एक बार आप इसको नोट कर लो। और फिर आपको ये भी बताना है कि रिमाइंडर दूसरे मेथड से भी निकालेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछता है कि फाइंड रिमाइंडर, तो पागल थोड़ी ना है हम जो इतना बड़ा मेथड करके दिखाएंगे, उस मेथड से बहुत जल्दी निकल जाता है। तो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फाइंड रिमाइंडर, इतना ही आता है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे, छोटा मेथड। अगर आता है फाइंड रिमाइंडर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तब हम ये वाला करने वाले हैं, समझ रहे हो। क्या करते हैं हम इसका डिवाइजर का जीरो फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, जीरो फाइंड करते हैं। तो कैसे करते हो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो रखते हो, ठीक है, और एक्स इक्वल टू माइनस वन आ जाता है। इस माइनस वन पे इसकी वैल्यू निकालते हो, तो यहाँ पे पी एक्स क्या है आपका, पी एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वन, ये देखा जाता है, ठीक है, जिसको डिवाइड कर रहे हो। कल लिखवाया था अच्छे से पूरा समझाते हुए। अब आप x इक्वल टू माइनस वन रख दो, तो x की जगह माइनस वन आ गया, यहाँ भी x की जगह माइनस वन आएगा, उसका क्यूब हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही होता है, माइनस 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 तीन बार लिखोगे, दो माइनस मिलके प्लस और एक माइनस बच जाएगा, और प्लस वन इक्वल टू आ गया जीरो। चेक कर लो आपका रिमाइंडर की वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है, रिमाइंडर है जीरो। तो अगली बार कभी भी क्वेश्चन आता है फाइंड रिमाइंडर, इतना ही लिखा हो ना, तो ये मेथड यूज़ कर लेना, छोटा है, गलती होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। रिमाइंडर जीरो आ रहा है, अब इससे क्या क्या स्टेटमेंट निकल रहा है, मैं सारी चीज़ लिख रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना, ठीक है, और मिस्टेक नहीं करनी। इससे स्टेटमेंट ये निकल रहा है कि ये चीज़ क्या है आपकी, बार 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 जो मैंने किया है ना, ये एक्चुअल में आपकी रिमाइंडर थ्योरम है। आज मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ वर्ड को, ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। अगर क्वेश्चन आता है फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम या सिंपली फाइंड रिमाइंडर, तो आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर रहे हो, जब से कल से हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, नाम आज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब सुनो, रिमाइंडर की वैल्यू जीरो है तो क्या होता है, तो लिखो इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो, रिमाइंडर इज ज़ीरो, इसका मतलब डिवाइजर डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि डिविडेंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय डिवाइजर, यानी कि डिविडेंड जो है कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तभी तो रिमाइंडर जीरो बचा। जैसे सिक्स को टू से डिवाइड कर, टू थ्री जा सिक्स, रिमाइंडर जीरो आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो डिविडेंड है ये क्या है, मल्टीपल किसका, इसका। इसका मतलब ये होता है अगर रिमाइंडर जीरो हो तो जो डिविडेंड होता है इज मल्टीपल ऑफ डिवाइजर। इसका एक मतलब और होता है कि ये डिवाइजर इसका फैक्टर है। कल भी मैंने आपको बताया था कि सिक्स को अगर मैं डिवाइड करूँ टू से, टू थ्री जा सिक्स, जीरो रिमाइंडर आ रहा है, यानी टू जो है सिक्स का फैक्टर है और सिक्स जो है टू का मल्टीपल है, समझ रहे हो। तो डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड, समझ रहे हो, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा है, अगर आपसे कोई कल को पूछे कि भाई चेक करके बताओ कि एक्स क्यूब प्लस वन एक्स प्लस वन का मल्टीपल है या नहीं है, तो आप सिंपल करोगे एक्स क्यूब प्लस वन को एक्स प्लस वन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ रहा है तो ये मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। वो कैसे चेक करोगे, क्या तो डिवाइड करके देख लेना या फिर रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके बता देना कि भाई रिमाइंडर जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है। सेकेंड, अगर किसी ने पूछा बताओ भी एक्स प्लस वन एक्स क्यूब प्लस वन का फैक्टर है या नहीं है, तब भी आप ये वाला काम करोगे, इसको इससे डिवाइड करके देखना रिमाइंडर जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर रिमाइंडर थ्योरम लगा के देख लेना कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये अंदर जो होता है डिविडेंड, इसको बोलते हैं मल्टीपल, और जो बाहर होता है डिवाइजर, इसको बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। टू फैक्टर है सिक्स का, क्यों, जब सिक्स के फैक्टर लिखोगे तो वन भी फैक्टर होता है, टू भी फैक्टर होता है, थ्री भी फैक्टर होता है, सिक्स भी फैक्टर होता है। फैक्टर वो होता है जो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, और मल्टीपल वो होता है जो उसकी टेबल में आता है। तो सिक्स टू के टेबल में आता है, मतलब इसका मल्टीपल है, समझ रहे हो। हाँ जी, ये नोट कर लिया पूरा का पूरा। अब आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले से पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम का आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ एक बार, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रही है। अब तक तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को अच्छे से, बस स्टेटमेंट और समझ लो इसका। हाँ जी, हाँ जी, तो
तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि लेट पहले स्टेटमेंट सुन लो, फिर समझा दूंगा, फिर आप उसको लिंक करना है अपन को क्वेश्चन से कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन जो हम लेते आ रहे हैं। पी एक्स वो चीज़ है, मैं बताता हूँ यहाँ से लिंक करते चलो। पी एक्स ये चीज़ है जो अंदर लिखा होता है, यानी डिविडेंड की बात चल रही है, जिसकी डिग्री क्या है, वन हो सकती है या वन से ग्रेटर हो सकती है, यानी कि डिग्री वन का लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए जो है कोई भी एक रियल नंबर है, इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, अगर मैं इस पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करूँ देन रिमाइंडर क्या होगा, आप खुद बताओ। मैं क्या कहता था इसको कि x माइनस ए का जीरो फाइंड करो, तो x माइनस ए इक्वल टू जीरो रखते थे हम, जो भी वैल्यू होती थी यहाँ पे, फिर x इक्वल टू ए निकलता है यहाँ से, अगर x माइनस है तो x इक्वल टू ए निकलेगा, अगर x माइनस टू होता तो x इक्वल टू टू निकलता। फिर मैं क्या कहता था कि इसकी वैल्यू जो आप पी एक्स की वैल्यू जो भी है यहाँ पे, आप a की वैल्यू यहाँ रखोगे तो जो पी ए की वैल्यू निकल के आएगी वो किसके इक्वल होगी, रिमाइंडर के इक्वल होगी या नहीं होगी। ये तो प्रोसेस किया है हमने कि भाई डिवाइजर का जीरो निकालो, निकाल लिया, उस जीरो के ऊपर जो वैल्यू उसके ऊपर पी एक्स की वैल्यू निकालो, तो पी ए बोला जाएगा, तो इसने भी ए बोला है कि देन रिमाइंडर इज पी ए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नई चीज़ है, ये तो हम करते आ रहे, इसलिए आपको पहले क्वेश्चन से मैंने वाला मेथड सिखाया है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट है कि लेट पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, एंड ए ए ये वाला ए कोई भी एक रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 2, 5, -2, -3, रूट में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, अगर ये ए है तो एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, देन रिमाइंडर क्या होगा, पी ए होगा। आई होप आपको समझ में आ गया स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करते आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट से। अब हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड द रिमाइंडर में, डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है बेटा, पॉज करके नोट कर लेना इसको। अब है आपका एग्जांपल नंबर 9, आप लॉन्ग डिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप लॉन्ग डिवीजन की प्रैक्टिस कर लेना बाद में, कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। भाई ये पी एक्स हो गया और ये क्या हो गया आपका डिवाइजर, क्या हो गया ये डिवाइजर, मुझे रिमाइंडर ही तो फाइंड करना है, तो लॉन्ग डिवीजन क्यों, एक तरीका तो भाई इसको आप एक्स माइनस वन से डिवाइड कर दो, दूसरा तरीका क्या है, इसका जीरो फाइंड करो। तो कैसे करोगे कि फाइंड, ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड जीरो ऑफ डिवाइजर, ये तो करते आ रहे हैं हम अब तक, यानी कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो रखो तो x इक्वल टू वन निकल जाएगा, ठीक है। x माइनस जो भी है इसको जीरो के इक्वल पुट करो, ये आपका निकल जाएगा x की वैल्यू। फिर आप करते हो पी एक्स के अंदर पुट करते हो, और हमें पी एक्स गिवन है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस वैल्यू उठा के इसमें रखते हो, इसको उठा के इसमें रखते हो आप, ठीक है, ये तो हम करते आ रहे हैं कल से। तो पी वन हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन रखो, तो वन की पावर 4 तो 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, तो आपका 1 की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है, कितनी बार लिख लो इसको, 1 की पावर 4 4 को मत कर देना भाई, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 4 टाइम्स, तो 1 बन जाए तो 1 ही रहता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 हो गया है, 2 से 2 कट गया, वैल्यू आ गई 2। तो जो पी वन यानी जो पी ए निकला है, ये क्या है आपका रिमाइंडर, क्या है डायरेक्टली आपकी जो वैल्यू निकल के आई है, क्या है आपका रिमाइंडर निकल के आया है, ठीक है। इसको नोट करो, आप नोट करो तब तक मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने खूब एग्जांपल से बता दिए वाली चीज़, ठीक है, बाद में स्टेटमेंट भी बता दिया इसका। अब एग्जांपल नंबर 10 करते हैं, आप इसको नोट कर लो फटाफट से, कि चेक वेदर हाँ जी, घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही वाली चीज़ आपको बता चुका हूँ मैं, आपको नहीं घूमना है,
कि चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ दिस. हमने कहा था मल्टीपल कौन हो सकता है, जो डिविडेंड होगा वो मल्टीपल हो सकता है. ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं है, ये इसका मल्टीपल है या नहीं है. हमें पता है मल्टीपल जब भी हो सकता है जब रिमाइंडर क्या आए, ज़ीरो आए, जब भी मल्टीपल हो सकता है. तो आप लिखोगे ये डिवाइजर है अपना. ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन में सबसे पहले लाइन क्या आएगी आपकी कि फाइंड, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इफ़, यहाँ से स्टार्ट करो कि वी नो दैट इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो देन ओनली QT is multiple of 2T plus 1. अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तभी ये QT है इसका मल्टीपल हो सकता है. मैंने आपको लिखवाया है स्टेटमेंट. ठीक है, इसको नोट कर लो. अब स्टार्ट करते हैं. आपको निकालना है जीरो ऑफ डिवाइजर, फाइंड जीरो ऑफ डिवाइजर. तो 2t प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करो. यहाँ से 2t इक्वल टू 0 और प्लस 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा. तो 2t इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से t इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2. ठीक है, t इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1 अपॉन 2. इसको नोट कर लो एक बार. फिर हमें क्या पता है, यहाँ पे इस वैल्यू उठा किस में रखना है, मुझे इसके अंदर रखना है. तो हमारा QT क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4t³ प्लस 4t² माइनस टी माइनस 1. आप इसके अंदर t इक्वल टू माइनस 1.2 रखोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी q माइनस 1 अपॉन 2. खूब तरीके से हम कर चुके हैं. निकालना कैसे निकाला जाता है, इस वैल्यू को इसमें रख दो और चेक करते हैं जीरो आता है कि नहीं आता है. 4t की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 2 और उसका क्यूब प्लस 4t की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस t की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2. ये ध्यान रखना भाई, माइनस बाहर रखा हुआ है और t की वैल्यू खुद माइनस 1 अपॉन 2 है और माइनस 1. अब सुनो, ये बाहर तो 4 लिखा हुआ है, ओके. माइनस का क्यूब माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा और 1 अपॉन 2 का क्यूब होता है 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8. ठीक है, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, कोई झंझट नहीं है, प्लस आ गया. बाहर है 4 और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4. दो माइनस मिलकर प्लस बन गया, ये हो गया 1 अपॉन 2 और माइनस 1. देखो 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका आएगा माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस का 1 प्लस का 1 अपॉन 2 और माइनस का 1. देखो माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, आ गया 0. रिमाइंडर क्या है आपका, 0. तो आप लिखोगे एज, ऊपर लिख देता हूँ स्टेटमेंट में, इसको नोट कर लेना पॉज करके, कि एज रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो सो क्यू टी इज मल्टीपल ऑफ 2t+1. क्या आपको लगता है क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता था, क्वेश्चन उल्टा घुमा के भी आ सकता था. कैसे, वो ये भी पूछ सकता था कि चेक करके बताओ कि 2t+1 इज फैक्टर ऑफ QT. तो भाई जब इसका मल्टीपल है तो इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, रिमाइंडर जीरो होने पे इसका मतलब 2t+1 इसका फैक्टर भी हो जाएगा, तो वो स्टेटमेंट भी बन सकता है, उसको भी कर लेना. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करो तब तक. हाँ जी, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है 2.3. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई, अलग अलग वैल्यू है, मैंने फर्स्ट ही x+1. तो हमारा तरीका क्या होता है करने का, हम जिसको भी डिवाइड करते हैं उसको px मान लेते हैं. ये गिवन है, फाइंड जीरो ऑफ x+1. इसका क्या फाइंड करना है, मुझे जीरो फाइंड करना, रिमाइंडर थ्योरम लगा रहा हूँ मैं. ठीक है, तो x+1 इक्वल टू जीरो पुट किया तो x = 0 - 1, x = हो गया -1. इस वैल्यू उठा के px में रखना है, तो px x क्या रखोगे आप, -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 + 1. -1 का क्यूब माइनस 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 3 बार आएगा, माइनस हो जाएगा. 1 का क्यूब 1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है क्योंकि दो माइनस मिलकर प्लस बनते हैं, और +1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा. पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3 और +1.
देखो 3 3 कैंसिल हो गए, 1 1 कैंसिल हो गए, इक्वल टू क्या आ गया 0। तो आपको रिमाइंडर कितना निकल गया है इस केस में, 0 निकलेगा। फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका 0 अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो। अब इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वन इसका फैक्टर है और ये इसका मल्टीपल है। तो हमें ऐसे भी समझना होता है हर क्वेश्चन में, ये भी बोल के देखा करो, ठीक है। रिमाइंडर आ गया आपका 0। सेकेंड की बात करूँ तो ये है x माइनस हाफ, ठीक है। तो क्या करना था, इसका 0 फाइंड करना है, आप लिख लेना इसको। तो जब मैं इसका 0 फाइंड करूँगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। और इसको मुझे पी एक्स में रखना है, तो पी एक्स की जगह पे हाफ रखो, इक्वल टू एक्स की जगह पे हाफ रखो और उसका क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे हाफ रखो उसका स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे हाफ रखो और प्लस 1। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। प्लस 3 तो अपनी जगह पे है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर करेंगे। प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 का मतलब 3 अपॉन 2 और प्लस 1, ठीक है। वैसे देख के भी समझ में आ रहा है हमें, तो खैर रिमाइंडर निकालना है। क्या 0 बन सकता है क्या ये, नहीं सारी वैल्यू पॉजिटिव 0 नहीं बन सकता, मतलब इसका ये फैक्टर तो नहीं है, बट हमें तो रिमाइंडर फाइंड करना है। ये हो गया 1 अपॉन 8, ये हो गया 3 अपॉन 4, ये हो गया 3 अपॉन 2 प्लस 1। एलसीएम ले लो, 8 विल बी दी एलसीएम, ये आएगा 1, 4 2 जा 3, 2 जा 2, 4 जा 4, 3 जा 12, 1 8 जा 8, ठीक है। 12 और 8 20 27, तो आ गया आपका 27 अपॉन इट्स दी रिमाइंडर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी निकल के, ये वैल्यू आ गई आपके रिमाइंडर की वैल्यू, ठीक है। ये रिमाइंडर की वैल्यू आ गई आपकी। अब चलते हैं इसका थर्ड पार्ट। हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट क्या है, ओनली एक्स दिया हुआ है, इसका जीरो फाइंड करना है। तो इसको जीरो के इक्वल पुट करो तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्टली जीरो आ गई। भाई हमें तो जीरो के इक्वल पुट करना होता है ना, जीरो के इक्वल पुट किया तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो रखो। तो जीरो का क्यूब 3 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचा, ओनली 1। तो यानी इसमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपकी, 1, राइट। इसको नोट करो, ओहो सॉरी क्वेश्चन मिट गया, चलो लिख देते हैं। अपना पी एक्स क्या था, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हाँ जी, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, x प्लस पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो सबसे पहले इसका जीरो फाइंड करना, तो इक्वल टू जीरो रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू होगी माइनस पाई, प्लस का पाई उधर जाएगा तो माइनस का पाई बनेगा, ठीक है। इसको उठा के इसमें रखना है, तो p और माइनस पाई इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई रखेंगे, तो देखो x की माइनस पाई रखेंगे, तो ये हो गया माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस पाई प्लस 1। भाई माइनस का क्यूब माइनस और पाई का क्यूब क्या हो जाएगा, पाई क्यूब, जो भी वैल्यू होगी पाई की, पाई क्यूब, जैसे एक्स क्यूब होता है, पाई का माइनस का स्क्वायर प्लस और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 पाई स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 मल्टीप्लाई पाई होता है 3 पाई और प्लस का 1, तो ये आपकी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको नोट करो पहले, ठीक है। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में दिया हुआ है आपका 5 प्लस 2x, मुझे तो इसका इक्वल टू जीरो रखना है, इसका जीरो फाइंड करने के लिए। यहाँ से 2x इक्वल टू, देखो ये पॉजिटिव 5 है, लिहाजा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव 5 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5 अपॉन 2। इसको उठा के इसमें रखना है, तो p माइनस का 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस का 5 अपॉन 2 रखना है, तो माइनस का 5 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस का 5 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 5 अपॉन 2 और प्लस 1। अब देखो माइनस का क्यूब माइनस होता है, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 2 का क्यूब होता है 8, उसके बाद माइनस का स्क्वायर प्लस, तो प्लस आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 एंड 25 3 जा 75 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 5 3 जा 15 और अपॉन 2 और प्लस का 1। एलसीएम ले लो यहाँ से,
एलसीएम इस बार भी 8 निकल के आएगा, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 125 प्लस 4 टू जा 75, टू जा 150, माइनस 2 4 जा 15, 4 जा 60 और प्लस में 8। ठीक है, इनको जब सोल्व करने बैठोगे तो देखो क्या बनेगा, ये माइनस का 125 और माइनस का 60, अगर इन दोनों को ऐड करो 60 20 80, माइनस का 185 हो गया, माइनस का 185 और 150 और 8 प्लस का 158 हो गया और अपॉन 8। अब ध्यान दो, अगर 60 होता 60 20 80 25 तो माइनस का 27 बच गया, ये माइनस का 27 अपॉन 8, ये आपका किसकी वैल्यू हो गई, रिमाइंडर की वैल्यू निकल गया, रिमाइंडर कितना आ गया माइनस का 27 अपॉन 8। ठीक है, इसको नोट करो, तो कैलकुलेशन पार्ट अपना सही रखना है, लॉजिक सेम चल रहा है कि डिवाइजर का जीरो फाइंड करो और उसको उठा के उसमें रख दो पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर। आपको इसमें भी क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन एक पीएक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस ए, और किससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से डिवाइड करना है। अब मुझे बताओ, मुझे इससे डिवाइड करना है, डिवाइजर हो गया, तो अपना स्टेप क्या होता है कि इसका जीरो फाइंड करो, तो x माइनस ए को जीरो के इक्वल पुट किया तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया आपका, a निकल गया, इस वैल्यू को उठा के px में रखना होता है, तो जहाँ x है वहाँ a रख देंगे, तो अपना हो जाएगा ये पी ए इक्वल टू x की जगह पे a रखा तो a का क्यूब, माइनस a तो है ही, x की जगह पे a रखा तो उसका स्क्वायर प्लस 6, x की जगह पे a रखा और माइनस का a, देखो a का क्यूब a क्यूब होता है, जैसे x का क्यूब x क्यूब होता है, माइनस a स्क्वायर और a मल्टीप्लाई होगा तो a टू टाइम है और एक बार और आ गया, टोटल a थ्री टाइम होगा, तो a क्यूब प्लस का 6a और माइनस का a, पॉजिटिव a क्यूब माइनस a क्यूब तो कट गया, 6a में से एक a चला गया, क्या बचा आपका 5a, तो ये आपका रिमाइंडर की वैल्यू हो गई 5a। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो गया इसका 5a, नोट कर लो इसको। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, थर्ड, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। बेटा किसी को मेरी स्पीड ज़्यादा लग सकती है, लेकिन उसको ही लगेगी जो सीरियसली नहीं पढ़ रहा है, अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, एक भी मिस नहीं कर रहे हो, चीज़ों को अच्छे से लिखते जा रहे हो और रिवाइज करते जा रहे हो, तो आपको स्पीड ज़्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, मुझे चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो सीधी सी बात है जिसका फैक्टर होगा वो तो मल्टीपल होगा, यानी कि डिवाइड, ये क्या होगा, डिविडेंड होगा, ये क्या होगा, डिविडेंड होगा, तो इसको px मानो, तो px इक्वल टू 3x³ + 7x, ये फैक्टर है, मतलब डिवाइजर की बात चल रही है, तो यहाँ पे अपना डिवाइजर क्या दिया हुआ है, डिवाइजर है 7 + 3x, और मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को, डिवाइजर का जीरो फाइंड करते हैं, तो इक्वल टू जीरो रखो और उसको उठा के डिविजन इसमें रखते हैं, डिविडेंड के अंदर यही करते आ रहे हैं, रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो आया तो फैक्टर नहीं है, नहीं आया तो ठीक है, तो यहाँ से 3x इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव 7 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 7, तो x इक्वल टू होगा माइनस का 7/3, इसको उठा के इसमें रखना है, तो पी x की जगह रखा माइनस का 7/3 इक्वल टू 3, x की जगह रखा माइनस का 7/3 और उसका क्यूब प्लस 7 और इसकी जगह रखा माइनस का 7/3, माइनस का क्यूब माइनस होता है तो माइनस आएगा, बाहर 3 लिखा हुआ है, 7 का क्यूब होता है 3 43 और 3 का क्यूब होता है 27, माइनस प्लस माइनस होगा, 7 × 7 = 49/3, 3 से कट करो 9 टाइम कट होगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा बन गया कि माइनस का 343/9 और माइनस का 49/3, देखो अपन को अपना आंसर तो मिल गया, क्योंकि दो नेगेटिव चीज़ों को ऐड करने पर कभी भी जीरो नहीं बनता, दो नेगेटिव चीज़ों को ऐड करने पे कभी जीरो नहीं हो सकता, तो चाहो तो आप यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि दो नेगेटिव चीज़ों को ऐड करने पे जीरो बन ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है, सेम भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं है, जीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया, नो फैक्टर नहीं है, समझ रहे हो। और अगर आपका मन है, अगर ये क्वेश्चन ये होता कि रिमाइंडर फाइंड करो, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते, वो आप कर लेना, मेरे को इतना ही आंसर देना था कि ये फैक्टर है या नहीं है, नो
इट इज़, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें लॉजिकली सोचना है. जैसे दो नेगेटिव चीज़ आई, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है, इसका मतलब फैक्टर नहीं है. तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी 2.3. जिसने लेक्चर मिस किए हैं पहले वाले, ज़रूर पढ़ लेना. अब बाकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय.